जब मार्केट इन एरिया के बीच में ओपन होगा उस दिन आपको ये माला माल तो चांसेस में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा मार्केट अपने वॉल्यूम एरिया हाई से हुआ। सपोर्ट देती है, सपोर्ट आपके टारगेट के लिए निकल जाती है मार्के। जैसे ही मार्केट इन पे आएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के प्लान कर दोगे ट्रेड उसके बाद हेलो विद ट्रेडवि की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है तो भाई सैटरडे मैं सेटअप की वीडियो एक वैसा ही स्पेशल सेटअप आपके देख जो आपने यूट्यूब पे आज तक किसी के पास देखा ही नहीं होगा क्योंकि भाई ये सेटअप पेड कोर्सेज में बीस हजार पच्चीस में पढ़ाया जाता है ऐसा एक सेटअप आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो भाई वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले वीडियो को कर दो लाइक चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि भाई यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत कंटेंट मिलेगा और आने वाले टाइम पे फॉरेक्स और साथ ही साथ इक्विटी का भी बढ़िया कंटेंट आने वाला है तो लाइक करना मत भूलना भाई और सब्सक्राइब तो कर ही देना घंटे का बटन दबा देना तो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेटअप में क्या है ये सेटअप में हम वॉल्यूम का यूज करेंगे साथ में इंडिकेटर का यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि भाई कौन से दो लेवल मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे मतलब जैसे आज मार्केट क्लोज हुआ कल के लिए मेरे पास एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बनी होगी और सुबह मुझे उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना होगा मार्केट से तगड़ा पैसा बनाने के लिए और जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी यहाँ तो यहां पे आके मार्केट सपोर्ट देगा सपोर्ट देगा तो ऊपर अच्छा खासा जाए अगर इस लेवल पे आके मार्केट रेजिस्टेंस देगा तो नीचे अच्छा खासा आएगा और अगर इन दोनों में से किसी भी को मार्केट तोड़ेगा तो उसका मतलब होगा बड़े बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं और वहां से मार्केट अच्छा खासा भाग जाएगा तो भाई स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बायर्स भी सेटअप को यूज करते हैं ऑप्शन सेलर्स भी यूज करते हैं सब यूज कर सकते हैं अब सेटअप के लिए बेसिकली मैंने दो चीजों का यूज करना है नंबर वन इज ई एम की सेटिंग क्या है बहुत सिंपल ई एम बट ये जो ई है ना एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखा हुआ है डबल कन्फर्मेशन देने के लिए इसका कोई मेजर रोल नहीं होगा मेजर रोल होगा सेकंड इंडिकेटर का जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो भी इंडिकेटर नहीं है एक टूल है जिसके साथ आपने काम करना है तो जब आप यहाँ पे अपने साइड पे जाते हो ट्रेडिंग व्यू में तो आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इसको स्टार्ट कर देना इस टूल को आपने अप्लाई करना है इस टूल को जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपने क्या करना है सपोज आप अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने लगा मैं एक काम करता हूँ मंडे से इसका बैक टेस्ट स्टार्ट करता हूं, साथ साथ आपको स्ट्रेटजी भी समझा देता हूँ अब मुझे मंडे को काम करना है ट्वेंटी जून मंडे है तो मैं यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन का सपोर्ट और रिजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा कैसे करूंगा जिस कैंडल से मार्केट ओपन हुई है वहां पे टूल को क्लिक करूंगा और सेकंड पॉइंट ले जाऊंगा जहां पे मार्केट क्लोज हुई है तीन पंद्रह नौ पंद्रह ऐसे लगाऊंगा तो मेरे पास एक ऐसा बन के आ जाएगा अब यहाँ पे मुझे तीन एरियाज मेजरली मार्क करने हैं अगर मैं आपको ध्यान से यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो आपको वॉल्यूम शो हो रहे हैं बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम फेड कर रहे हैं तो जहां पे वॉल्यूम फेड होंगे ये एरिया और ये एरिया आपको ये एरिया को मार्क करना है ऊपर वाले एरिया को हम कहेंगे वी ए एच दैट इज वॉल्यूम एरिया हाई और ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे वाले एरिया को हम कहेंगे वी ए एल वॉल्यूम एरिया लो और ये आपकी सपोर्ट का काम करेगा तो वी एच और वी एल अब आपने कैसे बात करना देखो ये जो एरिया है ये मैंने आपको कह दिया हो गया मेरा रेजिस्टेंस ठीक है और जो ये एरिया है ये हो गया मेरा सपोर्ट ये एरियास मेरे पास मार्क होने चाहिए परफेक्ट सीनाइयो कब होगा जब मार्केट इन एरिया के बीच में ओपन होगा उस दिन तो आपको ये सेटअप माला माल कर देगा अगर मार्केट इन दोनों एरिया के बाहर कहीं पे ओपन होगा तो भाई फिर आप इस सेटअप को इग्नोर करोगे या ट्वेंटी ई एम ए की कंफर्मेशन यूज करके ट्रेड करोगे वो आपको वीडियो के बीच में देखने को पता चलेगी तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं अपने एरियाज मार्क कर देता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने एरियाज पे मार्क कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ अब आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे आपके पास वी ए एच भी बन किया आ गया है और आपके पास वी ए एल भी बन किया आ गया है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जून को जब मार्केट ओपन होती है मेरे पास ये जोन बने हुए हैं मार्केट इन जोन के नीचे ओपन होती है

अब जब इस सेटअप को इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा साथ ही ट्वेंटी आप यहाँ पे ट्रेड एंटर करोगे आपका टारगेट होगा इस लेवल तक का जो आपकी रेजिस्टेंस हुआ टारगेट हिट या नहीं हुआ आपको मैंने एक ट्रेड अभी ट्रेड अभी इस सेटअप में दिखाया है जहाँ पे आपको मैंने क्या कहा अगर इसी जोन के बीच में ओपन होता तो ये बनना था आपका सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस अब इस जोन के बाहर ओपन हो गया गैप डाउन तो ये भी आपका रेजिस्टेंस बन गया और ये भी आपका रेजिस्टेंस बन गया इस रेजिस्टेंस को तोड़ा अगर तो यहाँ से वापिस भू जाता जाता के तो आपको बढ़िया मिल मिल जो हम नहीं करते इसने इस को तोड़ा तोड़ मेरे पास तक का मिल गया ग्रीन की 20 EMA की भी कंफर्मेशन मिली। 20 EMA से भी मिली से ऊपर हुई है मुझे पे कंफर्मेशन मिली मैंने ट्रेड किया मुझे यहाँ पे पैसा बना कितना पैसा बना तेईस चार सौ छियासठ से तेईस पांच सौ छियासठ निफ्टी में हंड्रेड पॉइंट सिंगल ट्रेड वो भी जब हमारा सेटअप फेवरेबल नहीं था अभी जब आपको मैं दिखाऊंगा सेटअप फेवरेबल था तब देखना कैसा पैसा बनेगा ये सेटअप की एक्यूरेसी इतनी हाई है कि 90 टू नाइन परसेंट आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ट्रेड देखते हैं इस सेटअप का अब मुझे ट्वेंटी जून यानी कि ट्यूजडे वाले दिन ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा दोबारा देखो आप मैं यहाँ पे जाके अपना टूल लगाऊंगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रसो में ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जून यानी कि जो दिन बीत गया उसकी मैं इस कैंडल से इस अंदर तक मार्क करूंगा अब ये सेटअप आपको कल के दिन भी बना के दूंगा आप चेक करना भाई साहब क्या एक्यूरेसी बन के आएगी उसके बाद में वैसे ही फेडेड एरिया ये वाला एरिया फेडेड है ये वाला एरिया फेडेड है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करूंगा मैं करने लगा हूँ आप देखना अब देखो जब मैं ट्वेंटी जून को ट्रेडिंग करने आऊंगा तो ये पॉइंट जो होगा ये जो लाइंस होंगी मेरी ये रेजिस्टेंस होंगी और ये सपोर्ट होगी बट क्योंकि मार्केट खुला ही इन लाइन से ऊपर आज कल मार्केट बुलिश है वो से उपर उपर हो तो जब मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर ओपन हुआ तो इस पॉइंट पे मार्केट ने री सपोर्ट मैं नीचे का नीचे का स्विंग मतलब इन लाइन से नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करके ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर लूंगा तो अगर आप ध्यान सेकंड डे भी देखोगे तो भाई साहब ये क्या आपको बढ़िया मूव मिला मार्केट किन लेवल से रिजेक्ट हुआ मार्केट अपने वॉल्यूम एरिया हाई से रिजेक्ट हुआ

सेटअप क्या करता है तो मैं यहाँ पे कैंडल को मार्क करूंगा यहाँ से यहाँ तक मेरे पास मेरा वॉल्यूम एरिया हाई निकल के आ जाता है मैं उसको मार्क कर दूंगा वॉल्यूम एरिया निकल के आ जाता है उसको मार्क करूंगा अब जब मैं 20 जून को मार्केट में आऊंगा तो मैं इस एरिया को क्या कहूंगा वॉल्यूम एरिया लो इसको क्या कहूंगा वॉल्यूम एरिया हाई मतलब ये मेरी रेजिस्टेंस होगी और ये मेरी सपोर्ट होगी अब आप ध्यान से देखो भाई तो मार्केट ओपन होती है इन्हीं दो जो जोन के बीच में नीचे आती है सपोर्ट देती है सपोर्ट दे के आपके टारगेट के लिए निकल जाती है मतलब कहने के लिए सबके लिए ये मार्केट एक जोन में है बट आपको पता है कि मार्केट का कौन सा एरिया एक परफेक्ट का सपोर्ट का काम करेगा और वहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा ऐसे जो बनाने में ये सेटअप आपकी मदद करेगा मतलब आपको दो लेवल्स दिन का तीस सेकंड का काम वो भी एक दिन पहले जैसे लाइव मार्केट में ट्रेड करने के तो बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती है ये आपको एक दिन पहले आपकी पूरी प्लानिंग करवा देगा अब जैसे इसी सेटअप पे मैं करके दिन के लिए आपको प्लानिंग करके देखता हूँ आप कल देख लेना कैसा सेटअप चलेगा आपको पता चल जाएगा भाई की मेरे बताए हुए सेटअप कितने एक्यूरेट होते हैं तो ये थी भाई हमारी फ्राइडे की मार्केट मैं यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम पे फलका यूज करके यहाँ के वी एच और वी ए एल निकाल तो मुझे यहाँ पे फेडेड वाले एरिया कौन से दिख रहे हैं ये नीचे की तरफ फेडेड एरिया दिख रहा है ये ऊपर की तरफ मैं इसको वी ए एच और वी एल मार्क कर देता हूँ अब ये कल के दिन पे मेरा होगा वॉल्यूम एरिया लो और ये कल के दिन पे मेरा होगा वॉल्यूम एरिया हाई मतलब दिस इज माय सपोर्ट फॉर टुमारो एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस फॉर टुमारो अगर कल के दिन पे मार्केट कहीं पे ओपन होता है इसी जोन के बीच में वापस आ जाता है तो ये मेरा सपोर्ट का, का काम करेगा यही रेजिस्टेंस का कल का ट्रेड प्लान भी इसी वीडियो में आपको जा रहा अगर मार्केट कल के दिन पे यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होके इस एरिया को ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो भाई मेरा टारगेट ये होगा मतलब ये एरिया कौन सा ट्वेंटी फोर था एट से फिफ्टी सेवन ये वन सिक्सटी सिक्स से वन सेवेंटी थ्री मतलब हंड्रेड पॉइंट का टारगेट होगा

यहाँ पे फ्लैट ओपन होके किसी एरिया को टच करके नहीं जाएगा तो मेरा सेटअप बनेगा ही नहीं साफ सी बात सीधा तरीका और इन केस मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होके ऊपर जाता है तो आप नीचे का मूव कैप्चर करोगे और इस जोन के बीच में ओपन होके नीचे आता है तो ऊपर का मूव कैप्चर करोगे तो सारे तरह के कल के ट्रेडिंग आइडियाज आपके पास है सेटअप आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए दोबारा समझ लो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो मुझे वेट करना है इस पे आने का ऊपर जाने का अगर यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाता है तो मैं ऐसे वेट करूंगा मतलब और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर आके नीचे आता है तब वेट करूंगा इसको आके इसको तोड़ देता है तो मेरा ट्रेड बनेगा मतलब ये चार पॉसिबिलिटीज मेरे पास कल के दिन पे होंगी अगर कहीं पे इसके नीचे ओपन होता है तो मेरा ट्रेड ही नी नहीं बनेगा नीचे ओपन होकर जब तक ऊपर नहीं जाएगा मेरा ट्रेड ही नहीं बनेगा इस सेटअप पे ये तरीका कल के दिन पे देखना भाई कितना बढ़िया काम करेगा आपके पास सब कुछ पहले से ही बना होगा आपको पता होगा कि आपको वेट करना है मार्केट के इन लेवल्स पे आने का यहाँ पे आप अलर्ट्स लगा दोगे जैसे मार्केट इन एवर्स पे आएगा पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम लगा के प्लान कर लोगे ट्रेड उस हिसाब से बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना कोई डाउट है तो बता के जाना कि वीडियो में क्या डाउट है मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब किया बिना कुछ जाने मत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो टेक केयर बाय गुड